मैं शायद जीवन में 51 वर्ष हो गए, 5 हफ्ते के लिए कभी बीमार नहीं हुआ, शायद पहली बार हुआ। परंतु आपको मालूम है कि मेरी रगों में आपका खून दौड़ता है, आपकी संस्कृति दौड़ती है। ना तो बांगर की इस धरती की के लहू को कभी बीमारी रोक पाई, ना आपके द्वारा दी गई ताकत जिससे आज भी मैं चलता हूं, ना उसको कोई राजनीतिक कठिनाई रोक पाई। इसलिए हर राजनीतिक कठिनाई से लड़कर कभी हार कभी जीत, परंतु आखिर में सच्चाई की जीत होती है। मैं हमेशा ये कहता हूं, महात्मा गांधी कहा करते थे कि सत्य को परेशान तो किया जा सकता है पर पराजित नहीं किया जा सकता। तो अब जो आप देख रहे हैं 5 साल से मोदी जी और खट्टर साहब की सरकारें, ये इस देश और प्रदेश के लोगों को परेशान तो कर सकती हैं, कांग्रेस की विचारधारा को परेशान तो कर सकती हैं, पर कभी पराजित नहीं कर सकती। और एक एक गांव एक एक वार्ड के अंदर हम सब जाएंगे। मैं आपसे आज वादा करके जाता हूं कि मैं स्वयं जाऊंगा और अपन सब मिलके ये प्रयास करेंगे कि जो हम पहले नहीं कर पाए वो भी एक खरी बात है। भाई अशोक तंवर जब यहां से संसद का चुनाव लड़े तो कांग्रेस पार्टी विजय नहीं हो पाई थी उसकी। मैं इस बार आप सबके आशीर्वाद से और आप सबके संकल्प के आधार पर ये कहना चाहता हूं कि सब ये कहते हैं कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को और ताकतवर होने की जरूरत है। आपके आशीर्वाद से इस बार कांग्रेस पार्टी को नरवाना हल्के से जिताकर भेजना है भाई अशोक तंवर जी को। कांग्रेस को जिताना क्यों आवश्यक है? इसलिए थोड़ी कि हम सब कांग्रेसी हैं जो यहां बैठे हैं और ये हमारे हमारे लिए जरूरी। एक बात तो ये हो सकती है, क्यों जिताएं कांग्रेस पार्टी को? मैं आज आपसे ये बात करने आया हूं। एक बात तो ये हो सकती है कि किसी को रणदीप से मोहब्बत है, किसी को सुरजेवाला जी से मोहब्बत है, किसी को अशोक भाई से मोहब्बत है, किसी को अपने पूरे ग्रुप धड़े से मोहब्बत है, जो जिसके बहुत सारे साथी यहां मौजूद हैं, बहुत सारे आ भी नहीं पाए। परंतु कांग्रेस को इसलिए जिताना जरूरी नहीं कि अपना धड़ा ग्रुप साथी मजबूत हो जाएं। कांग्रेस को मोर साहब जिताने की और कारण है, और आज आपसे 20-25 मिनट लेकर मैं उन कारणों की चर्चा करूंगा। 5 साल पहले 2013 और 14 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने अनेकों व्यक्तियों और वर्गों को, अनेकों समाजों को अलग-अलग बातें कही। एक बड़ी बात तो ये कही कि 15 लाख रुपया हर आदमी के खाते में जमा कराऊंगा। समाज में जो गरीब है, समाज में जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, चाहे वो दुकानदार भी है, छोटा किसान भी है, मैंने बहुत सारे अपने साथियों को कहते सुना। हमें मोदी वो कहते थे कि उन्हें मोदी की बात जचे, बोले भाई साहब 5 जी हैं, 75 लाख रुपए आ जाएंगे, एक करके खुशकी निकल जाएगी, क्यों दुखी करे, अगली बार गेट देंगे तारी पर्ची। और साहब 22-25 करोड़ लोगों ने खाते खुलवा लिए, मेरी बात गलत हो तो बता दो। पहले 18 करोड़ बैंक खाते होते थे ये कटारिया साहब, अब 40-42 करोड़ हो गए। इसलिए खुलवा लिए कि दूप सिंह जी सबको ये जचा था कि भाई देगा कोई, आप जैसा जो यहां बैठे हैं, आप करड़े रह गए वो अलग बात है, नहीं तो सबने कहा भाई 15-15 लाख मोदी देगा यार, एक के दो ले लो। हर गरीब आदमी को,
हर गरीब आदमी को जरूरत है। पैसे किसको माड़े लाग गए? आप किसी को कहो मैं 5 लाख रुपए तेरे खाते में जमा कराऊंगा, आपके गल्ले हो लेगा वो तभी। 15 लाख पर जी तो बहुत ज्यादा होते हैं। किसी के घर में 4 आदमी थे, किसी के 5 थे, किसी के 6 थे, जिसके 4 थे 60 लाख उसके आवे थे, जिसके 5 थे मतलब देखो ना उसके 75 आवे थे। एक बात तो मोदी ने ये कही, 42 करोड़ लोगों ने हरियाणा में भी लगभग, जो मैंने बेरा पाड़ा, लगभग 52-55 लाख लोगों ने खाते खुलवाए। एक आदमी जरा बताओ किसे के 15 लाख आए जी? बल्कि जिसने खाता खुलवाया था उसको बेरा होगा, मैंने तो इसलिए के बेरा पड़ पाड़ा था। जिसने खाता खुलवाया था उसके खाते में अगर 5,000 रुपये से कम जमा है, यशपाल भाई साहब बैठे थे, भरत सिंह जी बैठे, मैंने एक दिन कहाँ गए, मैंने एक दिन हमने बात, उसके खाते में से बैंकों ने रुपये काटे कि भाई 5,000 से कम अगर रहेगा तेरा बैलेंस तो फिर तेरे जो जमा रुपये हैं उसमें से हम 100 रुपये महीना और काट लेंगे। तो जो जमा कराए थे 100, 200, 500 रुपये वो और खत्म हो गए। ये एक कड़वा सत्य। तो गरीब आदमी से तो ये वायदा किया। जमींदार को क्या कहा? जमींदार को ये कहा कुरुक्षेत्र की धरती पे, और फिर उसके बाद हर जगह वो दोहराई कि किसान की जो लागत है, और बोला लागत में क्या क्या चीज शामिल है, जमीन का किराया, उसके बाद बोला उसके अंदर बीज की कीमत, खाद की कीमत, बिजली की कीमत, डीजल की कीमत और मेहनत की कीमत, ये बोला तुम्हारी लागत, इस पे 50% मुनाफा दिया करूंगा। पूरे देश का किसान, उसकी जाति कोई भी थी, वो चाहे यादव और राजपूत था उत्तर प्रदेश में, वो चाहे जाट रोड और ब्राह्मण था हरियाणा में, चाहे वो कोई सरदार था परली तरफ पंजाब में, हर जाति का किसान, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उसने कहा लागत पर 50 पैसे मिलेगा, 50% मुनाफा मिलेगा। ये केवल मोदी दे सकता है। कांग्रेस वाले तो 12-15% कीमत बढ़ाते हैं हर साल, हम 14% औसतन कीमत बढ़ाते थे हर साल आपके जींस की। जैसे अगर आपके 400 था तो अगले साल लगभग 450 हो गया, 450 था तो 45 रुपये और बढ़ा दिए, ऐसे बढ़ाया करते थे हम लगभग हर फसल पे। भाई अशोक भी आ गए हैं, एक मिनट वो अंदर आ जाएंगे फिर मैं मेरी बात जारी रखूंगा। तो इस प्रकार से वो बढ़ाते थे। एक बात का और जवाब दीजिए, क्या लागत पर 50% मुनाफा मिला? कणक का मिला हो, जीरी का मिला हो, कपास का मिला हो, पर थोड़ी बहुत अपने तो चलो सिरसम होती नहीं, उसका मिला हो, किसी फसल का पता? अपने तो चलो होती नहीं, परली तरफ मैं देखता ही हूं रोज, वो आम है जमींदार। तीसरी बड़ी बात कही थी, एक बार अशोक भाई आ जाएं फिर अपनी बात में जारी रखूंगा। आप एक बार स्वागत हमारे बीच में। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और सिरसा से लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर अशोक तंवर जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हम यहां नरवाना में पहुंचने पर आदरणीय अशोक तंवर जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जोरदार ये ऊपर से ले जाए। अशोक अशोक भाई ऊपर से आ जाइए, पीछे से आप बीच में जो बैठे आप बैठे रहिए, ये बीच वाले साथी बैठे रहे और जोरदार ताली से स्वागत करते रहे। आगे डॉक्टर अशोक तंवर जी का फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं हमारे बीच में। आज राष्ट्रीय राजनीति में चमकते सितारे आदरणीय सुरजेवाला जी और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और हमारे कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर अशोक तंवर जी, हम यहाँ पहुंचने पर स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। फूल मालाओं से आदरणीय अशोक तंवर जी का स्वागत, जोरदार ताली दोबारा से स्वागत करें, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी साथी बैठ जाए, अब सभी साथी आदरणीय सुरजेवाला जी भी जोरदार ताली बजाए अशोक तंवर जी का नरवाना में पहुंचने पर स्वागत और अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों चुनाव का
समय है और व्यवस्था के कारण अशोक तंवर जी के उकलाने में रोगरों में कई जगह प्रोग्राम थे, तो अब मैं दोबारा से, क्योंकि आदरणीय सुरजेवाला जी को कैथल भी जाना है, उसके बाद दिल्ली जाना है, आदरणीय सुरजेवाला जी बाकी बैठ जाए साथी। आदरणीय साथियों और मेरे बुजुर्गों, भाई अशोक जी हमारे बीच में आए हैं, आप सब की तरफ से मैं फिर उनका स्वागत करता हूं। जो हमारे दुकान में आपको ये बता रहा था कि 2014 में अलग अलग वर्गों को क्या कहा, तो गरीब आदमी तो को तो 15 लाख का वायदा कर दिया, किसान को लागत पर 50% दे दिए, फिर व्यापारी बच गए। व्यापारी और दुकानदार को कहा कि तुम्हारा सारा टैक्स मैं खत्म कर दूंगा। टैक्स तो बताओ, कोई बहुत सारे साथी खड़े हैं, दुकानदार भाई भी हैं, किसी का टैक्स खत्म करा जी, 5 साल हो गए। और जो नौजवान हैं उन्हें ये कहा कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, यानी 10 करोड़ नौकरी 5 साल के अंदर। नौजवान को ये लगा कि एक ऐसा व्यक्ति आया जो कांग्रेस की सरकार तो लगभग 50 लाख नौकरी हर साल दे पाती थी देश में, ये 2 करोड़ देगा, इबके इसे ट्राई मार के देखो, नौजवान को लगता भी। और ये कहा कोई पढ़ाई पढ़ुई की फीस नहीं रहेगी। अब बहुत सारे नौजवान इस सभा में, 2 करोड़ नौकरियां तो दी नहीं, उल्टा ये अब उनकी सरकार का आंकड़ा कहता है कि 4 करोड़ 70 लाख नौकरी चली गई नोटबंदी से और जीएसटी लगा के। इसके अलावा इनकी कॉलेज की और ये जो आगे कंपटीशन में बैठते हैं, माँ बाप भी बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं, एक एक बच्चे की कंपटीशन की पढ़ाई की फीस 5,000 रुपये है, बताओ है कि नहीं है। ये जो पेपर पाड़ने वाला कंपटीशन है जिसको कोचिंग सेंटर कहते हैं, 5,000 से लेकर साहब 75,000 रुपये तक की फीस है एक एक बच्चे की, और कॉलेज स्कूल की फीस दोनों लगभग 400% और बढ़ गई। समाज के हर वर्ग के साथ इसी प्रकार से धोखा किया। आज जब दोबारा आए नरेंद्र मोदी और बीजेपी, तो आज ना तो वो ये कहते कि हम किसान को लागत पर 50% मुनाफा देंगे, कहते हैं जी अब इस इलेक्शन में तो नहीं कह रहे, इस इलेक्शन में ये भी नहीं कह रहे कि सबको 15-15 लाख देंगे, इस इलेक्शन में ये भी नहीं कह रहे कि बच्चों को रोजगार दे देंगे, ये भी नहीं कहते इस इलेक्शन के अंदर कि दुकानदारों का टैक्स माफ कर देंगे, ये भी नहीं कहते कि हरिजन वाल्मीकि हमारे दलित भाई जो हैं, बैकवर्ड जो हमारे भाई हैं, उनकी जिंदगी में कोई रोशनी करेंगे। और 5 साल से मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, तो यहां भी उनकी सरकार, दिल्ली में भी उनकी सरकार, दोनों सरकारों ने मिलके धोखा किया। अब ये कहता है कि मोदी के मैं उग्रवाद से लड़ूंगा, इस चुनाव में केवल एक ही बात कहता है, माफ करना साहब, हिंदुस्तान 130 किलो का पहलवान है, 130 करोड़ लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान 15 किलो का पहलवान है, पाकिस्तान का डर दिखा के आपकी पर्ची लेना चाहता है, 130 किलो का पहलवान बड़ा हुआ है, 15 किलो का बड़ा हुआ है, लड़ सके कोई 15 किलो बड़ा 130 किलो से? पाकिस्तान भी हमसे लड़ेगा क्या? अब उसके तो 2 टुकड़े इंदिरा गांधी ने 1971 में कर दिए थे, करे नहीं थे साहब, 1965 के अंदर पाकिस्तान को हराया, 1999 में हां बीजेपी की जब सरकार, पाकिस्तान ने कारगिल में कब्जा किया तब भी हमारी सेना ने उन्हें हराया। पाकिस्तान में कोई तंत्र नहीं है, यह चुनाव हिंदुस्तान में होने लग रहा है, पाकिस्तान में होने लग रहा है, पाकिस्तान का डर दिखा के अब आपकी पर्ची दोबारा लेना चाहता है। परंतु ये देश जो है, जितनी मुझे समझ है लगभग 25-26 साल के राजनीतिक जीवन की,
और 30 साल के संगठन जमा राजनीतिक जीवन की, ये देश किसान का, देश देश का किसान फसल की कीमत मांगता है, ज्यादा भी नहीं मांगता, जायज कीमत मांगता है। जितनी सरसों किसान पैदा करे उतनी उसकी खरीद लो, बाजार भाव से 500 रुपए कम पे मत खरीदो, कम से कम उसकी जीरी लुटवाओ मत, उसकी 11, 21 और 1509 आप पीआर के भाव मत खरीदो। बस वो इतना ही चाहता है, वो इतना ही चाहता है कि जब कणक बाजार में लेकर जाए तो उसकी कणक दो दिन के अंदर उठ जाए और उसको अपने पैसे आड़ती या आप उसके बैंक के अंदर जमा हो जाए, इतना ही तो किसान चाहता है। किसान यह भी चाहता है कि उसके डीजल की कीमत अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम हो तो कम कर दो, ना कम हो तो हमारी मत करो, मैं खुद किसान हूं, ना कम करो हमारी। परंतु मोदी जी और खट्टर साहब ने 12 लाख करोड़ तो अकेले नरेंद्र मोदी जी ने डीजल और पेट्रोल पे टैक्स लगाकर कमाए 5 साल में। मेरी बात गलत हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। और 18,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा टैक्स लगा के डीजल के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार ने कमाए, हमारा क्या कसूर है? पहली सरकार है जिसने 70 साल के बाद खेती के ऊपर टैक्स लगा दिया। हमारी खाद पे 5% टैक्स, 70 साल किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई आपकी खाद के ऊपर टैक्स लगा दे, पहली बार 5% टैक्स मोदी ने लगाया। आपके ट्रैक्टर के ऊपर 12% टैक्स, किसी सरकार की हिम्मत नहीं थी 12% टैक्स लगा दे। आपकी कीटनाशक दवाई पर 18% टैक्स, और अगर ट्रैक्टर के पुर्जे लेने चले जाओ तो उन पे अलग अलग पे 18% टैक्स समेत टायरों के। क्यों किसान के साथ इतना भेदभाव क्यों? फिर भी किसान नरेंद्र मोदी और बीजेपी की वोट क्यों दे? ये बताइए किसान के लिए किया क्या? जब आपकी कणक आनी होती है तो बाहर के देशों की कणक का आयात खोल देता है, जब आपकी दाल की फसल, दलहन की फसल आनी होती है तो विदेश से दाड़े मंगवा लेता है अडानी और उसमें पैसे कमाते हैं। कई बार वो कागज मैंने खोल के रख लिए, हमेशा कणक बाहर से मंगवाता है, हमेशा दलहन की फसलें बाहर से मंगवाता है। और हरियाणा के इस इलाके में अशोक भाई आप और मैं तो जानते हैं, जहां से जीरी का निर्यात हो, क्योंकि पीआर जीरी सीमित है, आधी पीआर जीरी लगती है, आधी 11, 21, 1509 और बासमती लगती है, उसका कोई भाव होता नहीं, उसका बाजार भाव होता है। कांग्रेस की सरकार खाड़ी के देशों में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ईरान में, इराक में इनका निर्यात करवा देती थी। जब हमारी जीरी बाहर जाती तो उस जीरी का दाम बढ़ जाता। मोदी जी ने 5 साल से उस जीरी के निर्यात को झगड़ा करके रुकवा रखा, इसलिए 1 साल ये जो पिछला गया इसको छोड़ के जिसमें निर्यात खुला बाकी जीरी का निर्यात नहीं खुलता। याद करिए आप, जब सरदार मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी की कांग्रेस की सरकार थी तो बासमती 6,500 और 7,000 रुपए क्विंटल तक बिकी, मेरे पास पर्चा है, मैं झूठ नहीं बोलता। 11, 21 और 1509 अपनी, और भाई साहब आपके इलाके में भी होती है और टोहाना में भी सारी वही होती है, 5,000 और 5,500 रुपए क्विंटल तक बिकी। मुझे बता दो पिछले 5 साल में मोदी के आपकी 11, 21, 1509, 5,000 रुपए बिकी हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। किस बात की वोट मांगता है मोदी हमसे, जमींदारों से, चाहे वो छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो? खेती पर टैक्स, डीजल के ऊपर टैक्स, दिल्ली की सरकार का भी टैक्स, खट्टर साहब का भी टैक्स, आपके हर उपकरण के ऊपर टैक्स, आपकी जींस की कीमत नहीं मिलती। किसान को कितनी बार खट्टर की सरकार ने जेल में भेजा, कितनी बार पगड़ियां रोड़ी। आलू वाले किसान शाहबाद में विरोध करने लग गए, सबको लंबा डाल के
वहां पगड़ियां रोलती फिरी, सबको लंबा डाल के कुटिया। गन्ने का किसान का आज भी 350 करोड़ रुपया बकाया है, देश में 20,000 करोड़ रुपया बकाया है, 5 प्रांतों में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, और गन्ना कहां होता है, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश। इन 4-5 प्रांतों में 20,000 करोड़ रुपया बकाया है, आपका पैसा वापस नहीं मिलता। हम किस लिए अपना शरीर गाड़कर खेती करते हैं? दूसरा एक और वर्ग की चर्चा आपसे जरूर करूंगा, दुकानदार और व्यापारी। दुकानदार और व्यापारी ने बहुत मदद नरेंद्र मोदी की करी, बहुत उसकी मदद करी, खुद की वोट भी डाली और अपने ग्राहकों की भी डलवाई। गलत तो नहीं है मेरी बात? बहुत सारे मेरे दुकानदार साथी खड़े, काड़ा खड़ा था पीछे, कहां गया? कहां है काड़े? रोज दुकान पर बैठता है। जियालाल जी से पूछ लो, मंडी से हमारे प्रधान जी खड़े, उनसे पूछ लो। व्यापारी ने मदद की, सबसे पहले व्यापारी का नुकसान किया। नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा टोटा अगर किसी को आया तो वो व्यापारी को आया। जीएसटी से छोटे छोटे दुकानदार के लठ दे दिया, एक महीने में 3-3, 4-4, 5-5 फार्म भरने पड़ते हैं। वो फार्म भरे, अपनी दुकान चलाए। आप किसी दुकानदार से पूछ लो, 50 पैसे उसका धंधा मंदा, 50 पैसे। नरवाणा के किसी दुकानदार से पूछ लो, मैं शर्त लगा सकता हूं आपसे, आप पूरे हरियाणा के किसी दुकानदार से पूछ लो, 30 पैसे से लेके 50 पैसे धंधा मंदा हो गया, अर्थव्यवस्था पूरे देश की तोड़ के रख दी। 3 लाख करोड़ रुपये अकेले नोटबंदी से नुकसान हुआ देश का, 3 लाख करोड़ रुपये। घरवाली खसम से लड़वाई वो अलग है, हर घर में झगड़ा हुआ, कोई ऐसा घर नहीं। विद्या रानी जी मुस्कुरा रही हैं, आगे प्रभा जी भी मुस्कुरा रही हैं, परंतु ये हर घर की कहानी है, और किरण जी ने बहुत मुस्कुराई नीचे बैठी बैठी। कारण ये है कि घर की मालकण जो है, नहीं इसमें कोई शर्म नहीं, इनका कोई कसूर नहीं, हमारी जो मां है और हमारी जो बहनें, वो बुरे वक्त के लिए धनी से 100 रुपए अलग बचा के रख लेती है, उन्होंने कहीं नहीं खर्चने। चोरी आ गई, कोई रिश्तेदार आ गया, किसी की चोरी आ गई, धनी के पास पैसे नहीं है, उसको 100 रुपए पकड़ा देने, छूछक का सामान देना है, घर में बीमारी होगी कोथड़ी देनी है, बच्चा कोई बच्चे का कोई कपड़ा लेकर आना है, जूती लेकर आनी है, धनी हमेशा पैसा नहीं देता। किसी ने 2,000 बचा रखे थे, किसी ने 5,000 बचा रखे थे, किसी ने 10,000 बचा रखे थे, सब औरतों का पति से झगड़ा करवाया। वो पैसे अगलियों ने कहीं लेके नहीं जाने, वो धनी और धनी के काम के लिए ही इस्तेमाल होने थे। परंतु एक खरी बात यह है कि जो सबसे बड़ा बैंक इस देश का, वो हमारी मां और हमारी बहन है, हमारी चाची ताई भाभी, वो हैं इस देश का सबसे बड़ा बैंक। वो बैंक लूट लिया मोदी ने, अपना घर बसाने ही रखा, दूसरों का उजाड़ने का काम किया। ये बात, मेरी बात सही ना हो तो बता दीजिए। हाँ, दूसरों के घर मोर झगड़ा करवाया, 56 लोग बैंक की लाइन में मर गए। ये करा व्यापारियों, दुकानदारों और आम आदमी के साथ। और गरीब हमारे जो रामदासिया भाई हैं, वाल्मीकि भाई हैं, बैकवर्ड भाई हैं, उनके साथ क्या किया? सबसे ज्यादा अगर अपमान, बाबा साहब की कल जयंती थी, अशोक भाई भी बताएंगे, सबसे ज्यादा अगर अपमान किसी का किया और किसी के अधिकार छीने तो वो नरेंद्र मोदी और खट्टर साहब ने गरीबों के छीने। मैं नरेंद्र मोदी की बात ये बताएंगे, मुझे बताओ आज के अखबार में फोटो है, कल टेलीविजन पे चली, राम रतन जी हमारे एक दलित विधायक हैं पलवल में, बाबा साहब की जयंती, खट्टर साहब और बीजेपी वाले भाषण देने लग रहे, वो हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहे, दो शब्द बाबा साहब के लिए मुझे कहने दो। वो आदमी मेरे पिताजी का दोस्त है पुराना, हम इज्जत करते हैं हमारा चाचे के तौर पे उसकी। वो आदमी आंखों से रोता रहा, आंसू टपकते रहे, खट्टर साहब का दिल नहीं पसीजा। बाबा साहब की जयंती के ऊपर जो एक दलित विधायक की, छोड़ दीजिए आम आदमी की,
इस प्रकार से जो मुख्यमंत्री बेइज्जती कर सकता है वो आपके साथ क्या करेगा। विशंबर दास वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, कौन सा हल्का है भाई साहब, वो भिवाणी में, भवानी खेड़ा। 15 अगस्त 2017 को एमएलए को तो बुलावे 15 अगस्त के फंक्शन में, मुझे भी आता है और भाइयों को भी आता है। वो विधायक गलती से, क्योंकि वो गरीब वाल्मीकि है, वो विधायक सोफे के ऊपर बैठने चला गया 15 अगस्त के फंक्शन में। धक्के मारकर खट्टर की सरकार ने अपने विधायक को उतार दिया, गरीब वाल्मीकि को। जो सरकार अपने गरीब वाल्मीकि विधायक का इतना अपमान कर सकती है वो आपका क्या करेगी। संतोष सारवाण चौहान जी हम सब जानते हैं, क्योंकि बड़े सारवाण साहब सुरजेवाड़ा जी के साथ बहुत यहां आते थे, शायद अपने प्रदेश में सरसा के वो ओरिजिनल रहने वाले हैं, अशोक भाई के भी उनसे पारिवारिक संबंध रहे, और वाल्मीकि समाज के, गरीब समाज के वो सबसे बड़े लीडरों में से रहे। उनकी बेटी मंत्री रही, आज बीजेपी की विधायक है अंबाड़ा से। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने उनका कत्ल करने की कोशिश की। एक पूर्व मंत्री, मौजूदा बीजेपी की विधायक ने लिख के दरखास्त दी, मुझे जान का खतरा है, आपके आदमियों से मुझे मारेंगे, उनको रिवार्ड किया, इसको धक्के मारे। आपसे क्या करने वाले हैं, छोड़ दीजिए वो बात भी। आज इस देश में कुल 22 लाख जो पद हैं, जिनके बारे में राहुल जी ने चर्चा की, लगभग मैंने बाकी के और गिने, लगभग हरियाणा के अंदर इस समय 72,000 से ज्यादा नौकरियां गरीबों की, आरक्षित वर्गों की, बैकवर्ड की, रामदास या वाल्मीकि सेंसी धारक की, उनकी खाली पड़ी है, खट्टर साहब भरते नहीं है। 5 साल बीत गए, पूरे देश के अंदर लाखों नौकरियां खाली पड़ी हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो याद करिए, हर घर में हमने टंकी दी पीने के पानी की जी। मेरी माँ बहन बैठी, बताओ, आप हाथ खड़े करके टाल मार दो, अभी ना दी हो तो बताओ, हर गरीब के घर में टंकी आई थी जी, इंदिरा गांधी पेयजल योजना में। अब खट्टर साहब ने उसका बिल दे दिया, 5,000 10,000 रुपए उनका बिल दे दिया गरीबों को। गरीबों के लिए अलग हर महकमे का बजट बनाया करते थे हम भाई, ये खेती बाड़ी का महकमा है, इसमें किसान के लिए अगर 70 पैसे जाएगा तो 30 पैसे गरीब के लिए भी जाएगा, ये फलाना महकमा है इसमें गरीब के लिए बजट है, ये फलाना महकमा है इसमें गरीब का बजट है, उसे हम SC सब प्लान कहते हैं। SC सब प्लान को खत्म कर दिया मोदी साहब और खट्टर साहब ने, ये इनके, और ये अकेली ये बात नहीं है, सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार, वीके सिंह जो भारत सरकार के मंत्री हैं, मोदी जी के साथी हैं, फरीदाबाद में हमारे 2 दलितों बच्चों को जिंदा जला दिया। जब वहां वीके सिंह आए तो उन बच्चों को, माफ कीजिए मुझे कहने में कोई एतराज नहीं, उन दलितों के बच्चों को कुत्ते की संज्ञा दे डाली मोदी जी ने, उसको और बड़ा वजीर बना दिया। ऊना में, गुजरात में दलितों की चमड़ी उधेड़ दी, उनको कोई सजा मिली नहीं। रोहित वेमुला को हैदराबाद में आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया, उन्हें भी कोई सजा मिली नहीं। बैकवर्ड क्लास जो कमीशन कांग्रेस ने बनाया था 5 साल पहले वो तोड़ दिया। हम कहते रहे बैकवर्ड क्लास का कमीशन तो बना दो खसम, इनको फायदा कैसे मिलेगा। जब सरकार अब जाने लगी है, सरकार जाने से 2 महीने पहले वो कानून लेकर आए, सिर्फ 2 महीने पहले बनाया, 5 साल बैकवर्ड क्लास का कमीशन नहीं बनाया। हरियाणा में इससे भी बुरा हाल है, ब्राह्मण समाज को लिखकर पेपर में गाड़ी दिलवाई, हमारी बेटियों तक पर हमला बोला गया, ब्राह्मण के रंग भेद तक पर हमला बोला गया। जब पूरे प्रदेश के ब्राह्मण समाज के और 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे हुए, खट्टर साहब के पास गए, बोले कोई नहीं मैं सस्पेंड कर दूंगा इसे,
उसको सस्पेंड कर दिया, 15 दिन में उसे बहाल कर दिया और 4 साल की एक्सटेंशन दे दी। उसका क्या बिगड़ गया? एक बार ठंडे किए, आगे जाओ। खट्टर साहब के जिले के अंदर 4 पुजारी मंदिर के टुकड़े टुकड़े काट के उनके वहां मूर्ति के ऊपर फेंक दिए। पूरे मंदिर के अंदर खून की नदियां चल पड़ी। आज तक कोई पकड़ा नहीं गया। जब हम ये कहते हैं कि एक ब्राह्मण समाज के लिए भी अलग कल्याण बोर्ड का गठन कर दो, तो वो मजाक उड़ाते हैं मेरा और हम सबका कि इनके लिए क्या जरूरत है। कौन सी ऐसी बिरादरी है? हमारे पड़ोस में उकलाना और बरवाड़ा में बंदे मरवाए एक आश्रम में, औरतें आदमी और बच्चे नहीं मरवाए हों तो बताइए। उसके बाद आरक्षण की लड़ाई करवा के जातियों की लगभग 50 से ज्यादा आदमी फिर मरवाए, और उसके बाद डेरा सच्चा सौदा के प्रेमी पंचकुला के अंदर ऐसा नंगा नाच हमने कभी नहीं देखा, 50 से ज्यादा वहां मरवाए, 150 के करीब आदमी मर चुके 5 साल में हरियाणा में। बताओ पिछले 70 साल में कभी कभी 15 आदमी मरे हों तो। चौटाला ने 2 बार फायरिंग की, उसके अंदर भी 14 एक बार और 5 एक बार मरे किसान जिनको हमने नौकरियां लगाई थी। 150 आदमी मरवा चुकी बीजेपी। पूरे प्रदेश के अंदर केवल जाति पाति का जहर है। खाती को दीमान से लड़वाओ, बोले जांगड़े अलग हैं और दीमान अलग हैं। सैंसी और वाल्मीकि को रविदासिया से लड़वाओ, तम अलग हो ये अलग हैं, ये तारा खा गए। सारा दिन बीजेपी का यही प्रचार है। ब्राह्मण को जाट से लड़वाओ, बनिए को पंजाबी से लड़वाओ। मेरी बात गलत हो तो बता दीजिए, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं कहने में। रोड को राजपूत से लड़वाओ, बोले रोड राजपूत क्यों लिखे हैं, ये तो रोड है। राजपूत को आगे दूसरी बिरादरी से लड़वाओ, गुजर को इस तरफ कभी यादव से लड़वाओ कभी मुसलमान से लड़वाओ, उस तरफ यादव को जाट से और मुसलमान से लड़वाओ उन परले 4 जिलों में, और इधर जब भिवाणी की तरफ आ जाओ तो राजपूत को जाट से लड़वाओ। हर बिरादरी को दूसरी बिरादरी से लड़वाने लग रहे। 150 के करीब आदमी मर चुके। ऐसी सरकार चाहते हैं क्या आप? मेरे में और अशोक में कोई दोष हो सकता है? मैं मानता हूं हम इंसान हैं, हमने कभी आदमी मरवाए हैं क्या? हमने जो बात कही वो कभी पूरी ना की हो? 51 साल के हो गए, आपकी उम्र भी 42 के करीब हो गई, अब 42 के करीब इनकी उम्र हो गई, कोई बात करी हो कभी आज तक पूरी ना हुई हो? इस पूरे इलाके के अंदर हम 2 बार लोकदल को जिता पाए। अब तो लोकदल भी 2 बार टूट गया, उसके भी 2 टुकड़े हो गए, परंतु 2 बार लोकदल जीता। हमने क्या पाया? हमने कुछ नहीं पाया। 2-3 बार हम लोकदल को जिता पाए, जब से आरक्षण हुआ है, जब से रिजर्व हुआ है हल्का, तब से लोकदल जीत जाता है। हमने क्या पाया? हमारे यहां से एमपी भी लोकदल का जीतता है, कभी दोबारा आया हो तो बता दो, कुछ करा हो तो बता दो। साहब मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको, क्योंकि आप इस इलाके के रखवाले हो, लीडर हो, आप इस इलाके के आगू हो। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी, हम जो एक नया घोषणा पत्र लेकर आए हैं उसमें से सिर्फ 3 बात बता के मेरी बात समाप्त करूंगा। हमने बहुत सोच के ये निर्णय किया। आपको पता है पहले भी इस तरह की स्कीम हम जब लेकर आए तो हमने लागू करवाई थी। अब की बार पूरे देश के लिए बनाई है। पूरे देश में 5 करोड़ परिवार सबसे गरीब हैं, जो महीने में 12,000 रुपए कमा नहीं सकते। वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो सैनी भी हो सकता है, वो जाट भी हो सकता है, वो राजपूत रोड भी हो सकता है, वो हरिजन वाल्मीकि रविदासिया वाल्मीकि तो जरूर होगा, सैंसी और धाणक। हरियाणा में 2.5 करोड़ लोग हैं,
उन 2.5 करोड़ लोगों में उस 5 करोड़ जो परिवार हैं, 25 करोड़ लोग हैं, तो हरियाणा के कम से कम भी 50 लाख 70 लाख लोग जरूर ऐसे होंगे। हमने ये निर्णय किया है, आपकी अगर आय महीने की 12,000 रुपए से कम है, चाहे 11 ही हो चाहे 11.5 हो, तो 6,000 रुपए महीना जो घर के घरवाली है, धनी जो है घर की, मानस को दे मन माने दारू पी जाए, इसलिए हां इसलिए अगले की धर्म पत्नी को जो घर में बड़ी है उसके खाते में दिया करेंगे। राहुल गांधी जी ने उसका नाम रखा है न्याय योजना, न्यूनतम आय योजना है पर उसका न्याय योजना है। 72,000 रुपया, 3,60,000 करोड़ रुपया सालाना जो इस देश के गरीब 25 करोड़ लोग हैं, 5 करोड़ परिवारों के खाते के अंदर 72,000 रुपए सालाना जाया करेगा, हम करके दिखाएंगे। दूसरी बात, देश का जो किसान है उसके साथ बहुत धोखा हो चुका, उसकी जात कोई भी हो बहुत धोखा हो चुका उसके साथ, उसे बेरा ही नहीं पड़ता उसका बजट गया कहां। जो ये बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं उसमें रोल कर लेते हैं, तारे साथ रोल नहीं होएगी। पहली बार ये निर्णय किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के नाती ने, इंदिरा गांधी के नाती ने यह निर्णय किया है, राजीव गांधी जी के बेटे ने यह निर्णय किया राहुल गांधी ने कि किसान का बजट अलग बढ़ा करेगा, बजट ही अलग होगा। अगर 10 रुपये दोगे उसे तो पता चलेगा 10 दिए, अगर देश का बजट 100 रुपये उसे 10 दोगे तो पता चल जाएगा भाई मैं तो 10 ही मिले हैं, मुझे तो मैं 62% हूं खेत मजदूर और किसान, मुझे 10 दिए और दे भाई नहीं तो तेरी सरकार बदलूंगा। 50 रुपये देंगे तो 50 का पता चलेगा, 1,00,000 रुपये देंगे तो 1,00,000 का पता चलेगा, उसमें लिखना पड़ेगा आपको, हर बजट में अलग किसान का बजट होगा, बस उसे में काम चल जाएगा किसान का। तो फिर रोड नहीं हो सकती, ना तारी कीमत की रोड हो सकती, ना तारे ऊपर टैक्स लगाने की रोड हो सकती, ना तारा कर्जा मिलने की रोड हो सकती, आपकी किसी चीज की कोई ना रणदीप रोल कर सकता, ना मोदी रोल कर सकता, ना खट्टर कर सकता, ना अशोक तंवर कर सकता, आपको पूरे रुपये देने पड़ेंगे हर सरकार को। तीसरी बात, जो हमारे दुकानदार भाई हैं ये बड़े परेशान और दुखी हैं, और भाई जिसने छोटा धंधा लगाना है वो और ज्यादा दुखी है। राहुल गांधी जी ने फैसला किया है अगर कोई बिजनेस करना है धंधा लगाना है 3 साल तक कड़ियां जाना ही नहीं, किसी से कुछ पूछने धंधा चालू कर दो, पहले दिन कोई इजाजत नहीं चाहिए सरकार के, ना महकमे की किसी की, ना पोल्यूशन की चाहिए, ना बिजली की चाहिए, ना पानी की चाहिए, ना किसी चीज की चाहिए, अपने ठां से फैक्ट्री लगा लो बस, जो धंधा करना वो करो इस देश में, 3 साल तक कोई पूछने नहीं आएगा, 3 साल में अड़क अड़क ले लो, नहीं तो 3 साल के 5 साल तो परमिशन लेने में लग जाते हैं, इतने अगले का बिजनेस खराब हो लेता है। पहले दिन चालू करो, परमिशन बाद में लियो, कोई पूछने आ नहीं सकता। और दुकानदारों के लिए, दूसरी व्यवसायियों के लिए एक और क्या है, ये GST के जंजाल से आप उनका दुकानदारों का पीछा छुड़वा देंगे, ये अब उसके अंदर 8-9 टैक्स लगा रखे हैं, ये फार्म भरते रहते हैं, 6 महीने में फार्म भरना पड़ेगा जी, उससे पहले भरने की कोई जरूरत नहीं, 6 महीने से पहले कोई दुकानदार को फार्म भरने की जरूरत नहीं, टैक्स कम होगा। और जो सबसे गरीब मजदूर हैं, अपने यहाँ मनरेगा का पैसा उतना नहीं इस्तेमाल होता, बाकी देश में होता है, मजदूरों के लिए और पैसा वो दिया करेंगे, और इलाज जो है गरीब आदमी के लिए, दवाई, ऑपरेशन और इलाज, ये तीनों चीज मुफ्त होंगी, और गरीब के बच्चे की पढ़ाई और कोचिंग दोनों मुफ्त होंगी, एक ये निर्णय हमने किया। और नौजवान के लिए सारे ये जो काम होंगे, जो फैक्ट्री लगाएगा, जो जितने बंदे नौकरी देगा उसको उतना ज्यादा टैक्स का फायदा मिलेगा, जो जितने कम को नौकरी देगा उस पर उतना ज्यादा टैक्स लगेगा, ताकि नौकरी पैदा हो। राहुल गांधी जी का मानना था कि 22 लाख नौकरी खाली पड़ी है, मैं और रिसर्च की अशोक भाई, मेरे को लगता है कि वो नौकरियां असली में 60 लाख हैं, इन्होंने लको रखी थी, एक साल के अंदर 60 लाख या 50 लाख जितनी भी हैं
राहुल गांधी जी ने निर्णय किया कि एक तो वो सारी नौकरियां देंगे बच्चों को, ये तो भारत सरकार की है, प्रांतों की और लड़ा लेंगे तो और हो जाएंगी कई लाखों, और इसके साथ साथ प्राइवेट जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनमें जो जितने बच्चे ज्यादा रखेगा उससे उतना कम टैक्स लेंगे। ये ले, अगर कोई कहे मैं जी 50 बंदों की फैक्ट्री लगाऊंगा, अच्छा ले भाई लगा तेरा आधा टैक्स माफ, ये ले, अपने आप नौकरियां लगनी शुरू हो जाएंगी। जो मशीन जितनी कम लगाएगा, बंदे जितने ज्यादा लगाएगा उसको उतने ज्यादा पैसे का मुनाफा देंगे, ताकि कई करोड़ रोजगार बच्चों को मिल सके। ये रास्ता है कांग्रेस पार्टी का, वो रास्ता है उनका, आपने फैसला करना है। मेरी एक आपसे दरख्वास्त है, हम हर गांव में हर वार्ड में आएंगे, अब गलती मत खा लीजिएगा, हम तो आपके पाड़ियां, हम आपके सीरियां, हमने तो रहना आपके पास ही है, परंतु बंजारे वाली बात मत कर लियो। घर के सीरी को अगर बाहर निकाल दो तो खेत की रखवाली कोई नहीं करेगा, फिर तो चोर चौकीदार आ जाएगा, घर का सौदा लूट ले जाएगा। इसलिए मैं आपको केवल एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात आपने बहुत ध्यान से सुनी, मैं हाथ जोड़ के आपका शुक्रगुजार हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, गांव में थोड़ा बहुत अगर कहीं अंतर है, शहर में वार्ड में कहीं थोड़ा बहुत भेदभाव है, मेरा शमशेर का हो सकता है, मेरा ईश्वर का हो सकता है, मेरा नैन साहब का हो सकता है, परंतु उसकी सजा कांग्रेस पार्टी और अशोक तंवर जी को नहीं आप देंगे, वो अपने बच्चों को और अपने इलाके को दम देंगे। हमने पहले भी वादा किया परंतु हम खरा नहीं उतर पाए, क्योंकि हम अशोक भाई को नरवाणा से जिताकर नहीं भेज पाए। मेरे कई साथी यहां बैठे हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, मैं उनका भी हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं, और मैं उन्हें ये कहता हूं कि आप अगर मेहनत करेंगे, आप अगर अशोक भाई को यहां से जिताकर भेजेंगे तो कांग्रेस पार्टी ताकतवर बनेगी, अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी, मैं आपसे वचन देता हूं, अशोक भाई की तरफ से भी मेरी तरफ से भी, टिकट भी मिलेगी भाई को, एक को, तीन चार हम साथी हैं, पर उन तीनों साथियों को जिसको मैं टिकट नहीं दिलवा पाऊंगा उनको बोर्ड या कॉरपोरेशन में एमएलए से बड़ा बनवाएंगे, मेरा वायदा आज ही आपसे। आप इसलिए यह मत सोच लीजिएगा कि आप पीछे रह जाएंगे, आप मेरे परिवार से भी प्यारे मुझे लगते हैं, और अगर मैं एक हल्के से चार टिकट दे सकता तो मैं दे देता, तो मैं ये भी आपको सही कह रहा हूं मैं। और परंतु आप कोशिश करिए, जो साथी सबसे ज्यादा मेहनत करेगा वो नजर आ जाएगी, जो साथी सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा जमीन पर उसकी पकड़ होगी वो भी नजर आ जाएगी। इसलिए कोशिश करेंगे कि उस भाई को, उस साथी को आगे बढ़ाएं, और बाकी साथियों को उसमें ये कोशिश करें कि और ज्यादा मौका मिले।